The Great Cave. The resting place of Mommy and Papa Dragon. This sleeping dragon had no idea what's coming to her. But let's leave her be for one more night. 'Cause tomorrow, there will be no tomorrow for her. क्या हाल है भाइयों? तो कल के जीलॉग में आपने देखा कि मुझे एक स्टेज 5 का ड्रैगन मिला था। ये स्टेज ड्रैगन्स की आखिरी स्टेज होती है और इस स्टेज के ड्रैगन्स सबसे ज़्यादा बड़े, खूंखार और विनाशकालीन होते हैं। और इनमें भी दो तरीके के ड्रैगन्स होते हैं, एक माता ड्रैगन और एक पिता ड्रैगन। पिता ड्रैगन मारते भी ज़्यादा है और मार खाने की क्षमता भी ज़्यादा रखते हैं, लेकिन माता ड्रैगन्स होती हैं रक्षक, और वो रक्षा करती है एक ख़ास चीज़ की, जो होता है उनका अंडा, यानी उनकी संतान, उनका खून। और हमें आज के जीलॉग में वही चाहिए। मेरी और ड्रैगन की फाइट चली होगी कुछ 2 मिनट, और वो 2 मिनट भी इसीलिए चली क्योंकि बहुत ज़्यादा लैग हो रहा था, हद से ज़्यादा लैग हो रहा था। मेरी और ड्रैगन की फ़ाइट काफ़ी क्लोज थी क्योंकि मैं यूजली स्वॉर्ड फाइट करता नहीं हूँ, बट सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मेरे को स्वॉर्ड फाइट करनी पड़ी। बट एक चीज़ अच्छी थी कि मेरी स्वॉर्ड में फ्लिंग की एन्चेंटमेंट थी, और वो एन्चेंटमेंट ये होती है कि जब भी मैं किसी को अपनी स्वॉर्ड से हिट करूँगा तो वो मॉब हवा में उड़ जाएगा। तो ड्रैगन के साथ भी यही हुआ स्टार्टिंग में, थोड़ा वो हवा में उड़ता गया, मैं उसे मारता गया और काफ़ी ईजी हो गया था उससे। तो इस क्लोज और लैग भरी फाइट के बाद जब मैंने उसे मारा और मैंने उसका सामान लूटा, तब मैंने देखा कि मुझे ड्रैगन एक नहीं मिला, क्योंकि वो एक फादर ड्रैगन था, यानी एक पिता ड्रैगन। तो फादर ड्रैगन्स एक नहीं गिराते, सिर्फ मदर ड्रैगन गिराती है एक। तो इस बार तो हमें एक मिला नहीं, बट ये अभी यहीं ख़त्म नहीं हुआ, मैं एक और ड्रैगन ढूंढने जाऊंगा इसके बाद। लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा काम और था, मुझे अपने आर्मर की क्वालिटी बेस्ट करनी थी, और उसके लिए मेरे पास सामान काफ़ी था ऑलरेडी, बट उसके लिए मेरे को जाना था बेस, और बेस जाने के लिए मुझे चाहिए था एक वेस्टोन, और वेस्टोन मिलता है सिर्फ विलेजेस में। तो मैं अपने पास ही के एक विलेज में जा रहा था क्योंकि मैं माइनिंग करते करते इतना दूर आ चुका था, तो मेरे जो पास का विलेज था वो भी काफ़ी दूर था। तो मैं अपने पास के विलेज में जैसे ही जा रहा था, मेरे को रास्ते में एक और विलेज मिल गया, एक नया विलेज। ये विलेज नॉर्मल विलेजेस से काफ़ी अलग होता है और ये सिर्फ डेजर्ट्स में मिलता है, और इसमें वेस्टोन्स भी नहीं होते। बट इसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि इसमें विलेजर्स बहुत सारे होते हैं, तो इसमें लाइब्रेरियंस मिलने के काफ़ी चांसेस हैं, और लाइब्रेरियंस मिलने का मतलब अच्छी बुक्स भी मिल सकती है। और वही हुआ, मुझे एक लाइब्रेरियन ऐसा मिला जो मुझे एडवांस एफिशिएंसी 3 दे रहा था, और वो भी काफ़ी सस्ते में, सिर्फ 13 एमरल्ड्स में। तो मैंने फटाफट उसको अपने रॉक की मदद से उठाकर वहाँ से एक नए विलेज में शिफ्ट किया, ताकि मुझे बार बार यहाँ ना आना पड़े और डायरेक्ट वेस्टोन टू वेस्टोन कनेक्ट कर लूँ। फिर तुरंत मैंने उस विलेजर को वहाँ पे एक कमरे में शिफ्ट किया और वहाँ पे उसे बंद कर दिया, ताकि कोई बाहर से मॉब आके उसे मार ना दे, क्योंकि वो एक ऐसी बुक दे रहा था जो कि एफिशिएंसी की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी है, तो वो विलेजर मेरे लिए अब काफ़ी इंपॉर्टेंट हो चुका था। इट वॉज आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट हिम। उसे उसके नए घर में पहुँचाने के बाद मैं अपने बेस गया और वहाँ से काफ़ी सारे एमरल्ड्स लेके आया, बट अभी भी इतने एमरल्ड्स नहीं थे। पर उसके घर के नीचे एक लाइब्रेरी थी उस विलेजर के, और उसमें काफ़ी सारे बुकशेल्फ्स थे, तो काफ़ी सारी बुक्स मिल गई थी मेरे को, नॉर्मल बुक्स, और नॉर्मल बुक्स भी विलेजर्स ट्रेड करते हैं एमरल्ड्स के लिए। तो उन बुक्स की मदद से मैंने काफ़ी सारे एमरल्ड्स लिए उससे, और उन एमरल्ड्स की वजह से काफ़ी सारी एडवांस एफिशिएंसी की बुक्स भी ले ली। उसके बाद मैं बेस गया, और क्योंकि अब मेरे पास एडवांस एफिशिएंसी 5 आ चुकी थी, तो आई थिंक अब टाइम आ चुका था मेरे को अपनी पिकैक्स को अपग्रेड करने का, क्योंकि मेरी पुरानी पिकैक्स में नॉर्मल एफिशिएंसी 5 थी सिर्फ। तो मैंने सोचा एक नई पिकैक्स बनाते हैं जिसमें एडवांस एफिशिएंसी 5 हो, और फिर चलते एक नए ड्रैगन को ढूंढने। तो अराउंड आधे घंटे मैंने अपने बेस पे ग्राइंड किया, जिसमें मैंने एक्सपी लिया, एन्चेंटिंग करी, डिसएन्चेंटिंग करी, और फिर उसके बाद फाइनली मेरी पिकैक्स तैयार हो गई थी विद बेस्ट क्वालिटी। और इस आधे घंटे के ग्राइंड में मैंने ना एक गलती भी करी थी, मैंने अपनी एक बार गलती से एडवांस एफिशिएंसी 5 वाली बुक जो थी वो एक गलत पिकैक्स में लगा दी थी, और फिर वो मुझे पिकैक्स फेंकनी पड़ी। तो मेरी जो नई पिकैक्स बनी थी उसमें एडवांस एफिशिएंसी 4 थी, जिसको हम बाद में अपग्रेड करके 5 कर देंगे, बट अभी के लिए 4 भी बहुत है क्योंकि मेरे पास और एमरल्ड्स नहीं है, तो मैं इसे 5 अभी कर नहीं सकता, लेकिन बाद में ज़रूर करेंगे। पर अभी हमारी पिकैक्स तैयार है कि हम एक नया ड्रैगन ढूंढने जा सकते हैं। अब माइनिंग पे निकलने से पहले मेरे को एक दो आइटम्स चाहिए थे, जैसे टेलीपोर्ट स्क्रॉल, ताकि मेरे को बार बार वेस्ट स्टोन ढूंढ के टेलीपोर्ट ना करना पड़े बेस पे। तो ये सारे आइटम्स मैं बना रहा था, प्लस मेरे आसपास के बेस में थोड़े से क्रीपर एक्सप्लोजन डैमेजेस थे तो उनको भी फिक्स कर रहा था।
कि पता नहीं अचानक कहाँ से बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होने लग गए। स्टार्टिंग में थोड़ा वियर्ड लग रहा था, बट मैंने मॉब्स मारने शुरू किए और काफ़ी सारे मॉब्स मारे कि अचानक से मुझे एक लाल चांद दिखा। लाल चांद यानी ब्लड मून इवेंट। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे यहाँ से तुरंत निकलना पड़ेगा, वरना बहुत सारे क्रीपर स्पॉन होंगे और जो बचा कुचा बेस है, जिसे लास्ट टाइम हुआ था मेरा बेस फटा था ब्लड मून में, वैसी इस बार भी फटेगा। तो मैं तुरंत वहाँ से निकल गया और एक दूर के किसी विलेज में चला गया, टेलीपोर्ट कर गया वहाँ से तुरंत। अब उस विलेज में ऐसा पता नहीं क्या था, उसके आसपास क्या था कि जैसे ही मैं वहाँ पर टेलीपोर्ट किया, वहाँ पर इतना ज़्यादा लैग होने लगा और मैं ऑलमोस्ट मरते मरते बचा हूँ वहाँ पर एक लाल रंग के टाइगर से, या शेर बोल सकते हो आप, शेर ज़्यादा लग रहा है वैसे ये। तो ये जो इवेंट होता है ब्लड मून, इसमें मॉब्स का स्पॉन रेट 4 गुना बढ़ जाता है और इसमें पूरी रात आप सो नहीं सकते, मतलब आप रात स्किप ही नहीं कर सकते। और यूजुअली इस इवेंट का आने का सिर्फ 1% चांस होता है हर रात, पर मेरे वर्ल्ड में पता नहीं क्या परसेंटेज बढ़ा हुआ है मेरे वर्ल्ड में, अभी 100 दिन भी नहीं हुए और यहाँ पर 2 बार आ चुका है ये इवेंट। खैर फिर भी क्योंकि मेरा आर्मर और वेपन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो मैंने वो रात सर्वाइव कर ली उस विलेज में, बट काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई, 1-2 विलेजर्स बचा लिए मैंने वहाँ पर। तो जैसे ही इवेंट ख़त्म हुआ, मेरे विलेज के पास एक बैटल टावर था, मैं उसको लूटने जा रहा था कि मैंने देखा नीचे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो रखा है। तो मैं इंस्पेक्ट करने जब नीचे गया तो मैंने देखा वहाँ पे एक स्टेज 5 ड्रैगन का नेस्ट था। और ये देखने के बाद मुझे समझ आया कि स्टार्टिंग में इतना लैग क्यों हो रहा था, क्योंकि ये ड्रैगन पता नहीं कैसे जाग गया और इसने बाहर आने का रास्ता बना लिया था अपना पूरा। मैं नीचे गया, नीचे देखा कुछ भी नहीं था, ये उड़ के कहीं बाहर चला गया था। बट जैसे ही मैं बाहर आया तो ये मेरे सामने खड़ा था, एक स्टेज 5 का फ्री ड्रैगन। बिना माइनिंग करे मेरे को एक स्टेज 5 का ड्रैगन मिल गया। अब आप इसे किस्मत बोलो या कोइंसिडेंस, बट मेरे लिए काफ़ी लकी था ये। उस ड्रैगन की HP लो करने के बाद मैंने उस ड्रैगन को हवाई अटैक मारा, जो कि मेरा स्पेशल अटैक है, जैसे अवतार मूवी में तोरुक माक्तो को पकड़ता है उसका हीरो। वैसे उसे मारने के बाद जैसे ही मैं उसकी लूट लूटी, मेरे साथ फिर से वही सीन हुआ कि मेरे को फिर कोई एग नहीं मिला। तो मेरे को ज़िंदगी की एक चीज़ समझ आई कि अगर भगवान एक जगह से आपको किस्मत देता है ना, तो एक जगह से ले भी लेता है। जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक किस्मत का कोई फ़ायदा नहीं। यानी फ्री की मिली हुई चीज़ में सिर्फ 2 पल का सुख है, पर जब वो फ्री वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है तो दुख भी डबल हो जाता है। और जो मेहनत से कमाई हुई चीज़ होती है ना, वो ज़िंदगी भर रहती है। ये काफ़ी डीप बात है, तो अगर आप लोगों को समझ आई है तो जाके मेहनत करो और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करो, ना कि उनकी कमाई पर खाओ पियो ऐश करो। खैर उसके बाद मेरे को एक बहुत सही आइडिया आया। आरएल क्राफ्ट में स्टेज 5 ड्रैगन्स की जो केव होती है, वो सी के अंडर एक पर्टिकुलर वाई लेवल पे ही मिलती है, उसके नीचे नहीं मिलेंगी आपको, उसके ऊपर नहीं मिलेंगी। और मेरे पास थी एक जीती जागती केव, तो मैंने उस केव के सेंटर पॉइंट पे चूज़ किया और उस सेंटर पॉइंट से सीधा माइन करना चालू किया, इस सोच में कि अब इस पॉइंट से अगर मैं माइन करूँगा, किसी भी साइड माइन करता हूँ, तो कभी ना कभी तो मुझे केव मिल ही जाएगी। और भले ही उसमें 1 घंटा लगे, आधा घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 2 दिन लगे, बट अब मैं केव लेके ही रहूँगा। और क्योंकि मेरी पिकैक्स इतनी फास्ट थी कि मैं इससे जितनी माइनिंग 1 घंटे में कर सकता हूँ, वो एक नॉर्मल पिकैक्स से शायद 10 घंटे लगा दे। कुछ 5 मिनट माइन किया होगा मैंने सीधा, और मैं एक डंजन से टकराया। उस डंजन के 2-3 मॉब्स थे, 2-3 बॉसेस थे, मिनी बॉसेस, वो मैंने मारे, उनकी लूट ली, फिर वापस उसी पॉइंट पे गया जहाँ मैंने माइनिंग छोड़ी थी और वहाँ से कंटिन्यू करी माइनिंग। पाँच मिनट की और माइनिंग करने के बाद मेरे को एक नई चीज़ मिली, मेरे 3रे ड्रैगन का केव, स्टेज 5 का ड्रैगन 3रा। अब अगर मुझे इसने भी अंडा नहीं दिया ना, तो मैं क्या करूँगा? कुछ नहीं करूँगा, एक नया ड्रैगन ढूँढूँगा। बट खैर मैंने बिना किसी रुकावट के, बिना किसी सोच के उस पर अटैक करना शुरू करा। उसको 1-2 एरोज मारने के बाद मैं अपनी केव में वापस गया ही था कि वो मुझे पकड़े ना, इतने में वो ऊपर उड़ गया आसमान में, छेद करके बाहर निकल गया। मैं बाहर गया तो उसने मेरा रॉक को मार दिया।
थोड़ी देर लड़ाई चली, थोड़ी देर मैं पानी के अंदर रहा, पानी के नीचे ही रह के थोड़ा सा दूर गया। वहाँ पे दूर जाने के बाद मैंने अपना दूसरा पेट स्पॉन किया, उस पेट के ऊपर चढ़ के फिर उसे एरोज मार के फाइनली मैंने उसे मार दिया। और अब टाइम था चेक करने का कि क्या ये ड्रैगन मुझे एग देगा नहीं देगा। उसके सारे लोड पानी में गिराने के बाद जिस चीज़ पे मेरा सबसे पहले हाथ गया वो पता क्या था? एक लाल रंग का ड्रैगन एग। तो दोस्तों, यारो, भाइयों, ड्रैगन एग तो मिल गया, पर इसको हम हैच करेंगे कल। और इसी के साथ हम आज का जीलॉग करते हैं ख़त्म। आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आया हो तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तब तक के लिए गाइस, मिलते हैं अगले जीलॉग में। हैव अ गुड डे एंड सी यू। टाटा, बाय बाय।